AM is perpendicular to BC, so this implies that AH is perpendicular to BC. अब आप स्लोप ऑफ AH निकाल सकते हो एंड स्लोप ऑफ BC दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन. इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी माइनस वन. AH की स्लोप क्या आएगी? A के कोऑर्डिनेट्स माइनस टू कॉमा थ्री, एच के कोऑर्डिनेट्स माइनस सिक्स कॉमा वन. तो स्लोप ऑफ AH 1 minus 3 upon minus 6 plus 2, that is minus 2 by 4, that is minus 1 by 2. Same way means slope of BC. This will be y plus 2 upon x minus 3. अब ये दोनों slopes का product equal to minus 1 है, तो यानी कि y plus 2 upon x minus 3 into minus 1 by 2 is equal to minus 1. ये negative से negative आपको cancel out हो जाएगा. ये दोनों का प्रोडक्ट हम उधर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में ये रह जाएगा. सो वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस सिक्स. तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन निकाल लोगे, bh की स्लोप एंड देन स्लोप ऑफ ac, इनका प्रोडक्ट इज माइनस 1. अब बी एच की स्लोप आएगी आपके पास 1 प्लस 2 अपॉन माइनस 6 माइनस 3, और ए सी की स्लोप विल बी y माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1. तो दिस विल बी 3 अपॉन माइनस 9 इंटू y माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1. ये नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ. 3 3s are 9, so 3 into x plus 2 or y minus 3 into 1. 3 into x plus 2 you will bring to the right hand side, so you will be having this equation 3x plus 6. यहाँ से आपके पास second equation आ जाएगी. दोनों equations को simplify and get the values of x and y, and that will be the coordinates of C. So this equation will be 3x minus y plus 9 equal to 0. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई. दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर. क्लियर हो जाएगा कंप्लीट? अब ये यहाँ पे बी एच बी एल परपेंडिकुलर टू ए सी है, तो बी एल का जो स्लोप होगा सेम विल बी द स्लोप ऑफ बी एच. तो बी एच का हमने स्लोप निकाल लिया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो वन प्लस टू अपॉन माइनस सिक्स माइनस थ्री, ये स्लोप ऑफ बी एच आ गया. फिर स्लोप ऑफ ए सी वाई माइनस वाई वन अपॉन सेम एक्स टू माइनस एक्स वन. तो वाई प्लस टू, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, हेयर इट इज वाई प्लस टू. एक सेकेंड, दिस वॉज ए सी, तो ठीक है ये वाई माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, दिस इज इक्वल टू माइनस वन. ये कैंसिल आउट हो गया. थ्री वन सा थ्री, थ्री थ्री सा नाइन, माइनस वन बाय थ्री बचा था. ये नेगेटिव साइन कट गया, तो 3 इंटू एक्स प्लस टू राइट हैंड साइड पे आ गया, y माइनस थ्री लेफ्ट हैंड साइड पे रहा. सो इक्वेशन जो है वो हमारी क्या फॉर्म हुई, 3x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस योरसेल्फ. Now the next question is, कर दूं इरेज़ ये? Some of the squares of distances of a moving point from two fixed points, a zero and minus a zero. ये इस तरह का क्वेश्चन आपने टेंथ में भी किया हुआ है. ये पॉइंट हमें गिवन है ए जीरो, ये पॉइंट हमें गिवन है माइनस ए कॉमा जीरो,
एक पॉइंट है जिसका मूविंग पॉइंट है फ्रॉम दीज टू फिक्स पॉइंट्स, इसका जो सम ऑफ द डिस्टेंस रहता है, यानी कि अगर ये पॉइंट मैंने ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, तो ए बी प्लस ए सी जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टू सी स्क्वेयर. देन द इक्वेशन ऑफ द लोकस, इक्वेशन ऑफ इट्स लोकसेस, यानी कि अब हमें क्या बताना है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो हमने कैलकुलेट करनी है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू टू सी स्क्वेयर, डिस्टेंसेज के स्क्वेयर, सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंसेज इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर हमने पुट करने. तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए बी एच कॉमा के, इसके कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के मान लेंगे. अब आप डिस्टेंस ए बी निकालो, डिस्टेंस ए सी निकालो, वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट योर इक्वेशन. क्या आएगा, डिस्टेंस ए बी स्क्वायर है तो रूट हटा के लिख रही हूं मैं इसको, एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड बी सी ए सी दैट विल बी एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अब इन दोनों का सम इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर. So this is h square plus a square minus 2ah plus k square plus h square plus a square plus 2ah plus k square is equal to 2c square plus 2ah minus 2ah will get cancelled. So we are left with 2a square plus 2h square plus 2k square is equal to 2c square. So 2 common leke cancel out kar doge. So h square plus k square is equal to c square minus a square. अब हमें locus of this point निकालना है, तो locus of जो भी ये point होता है that is always given in the form of x and y, equation की form में देते हैं. तो locus of the required point is, क्योंकि h और k की वैल्यू, जब ये पाथ एक, जब ये पॉइंट मूविंग होगा तो h कॉमा k जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके फिक्स्ड नहीं रहेंगे, दैट विल बी चेंजिंग एज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दिस a. मान लो a मैंने यहाँ पे ले लिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस सेम रहेगा बट इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे. अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ लिया, अगेन coordinates will change, so that we will write in the terms of variable. जब भी locus लिखना है, that will be written in the terms of x and y. The locus of the required point is x square plus y square is equal to c square minus a square. Or you can do one more thing कि यहाँ पे आप h comma k की जगह already x comma y लेके चल लो, then आपको last में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब ये ओरल क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग इफ अ लाइन, रिगार्डिंग अ लाइन इफ इट्स स्लोप इज जीरो. अगर एक लाइन की स्लोप जीरो है, ठीक है, लाइन की स्लोप कब जीरो होती है, देन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ जीरो डिग्री विद द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ जब इसका एंगल जीरो डिग्री है तो टैन जीरो इज जीरो, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन विल बी जीरो. अब क्या होगा यहाँ पे, जब स्लोप ऑफ अ लाइन हमें जीरो गिवन है, या तो लाइन कोइंसाइड करेगी विद द एक्स एक्सिस या लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये दो केसेस बनते हैं, इधर द लाइन विल बी एक्स एक्सिस और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ऑप्शंस आपकी गिवन थी, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन अब्यूज एंगल, इधर द लाइन इज एक्स एक्सिस और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज एक्स एक्सिस. तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. कौन सा, यही वाला. व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन, व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन इफ इट्स स्लोप इज जीरो. नेक्स्ट भी आपका वर्बल है, ओरल क्वेश्चन है. टू लाइंस आर परपेंडिकुलर
if the product of their slopes is minus 1. Then next, y intercept of the line 4x minus 3y plus 15 is equal to 0. इसका हमें y intercept निकालना है. तो जब भी हमें equation का y intercept निकालना है, we are to write it in the slope intercept form. Y is equal to, क्योंकि y intercept निकालना है, तो y is equal to mx plus c. अगर x intercept निकालना है, तो y is equal to m times x minus b. अब equation मुझे given है 4x minus 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अब इसकी अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको कर लेना. हम इसको कर रहे हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b की फॉर्म से. तो प्लस 15 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, देन हां जी मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल. सो 4x अपॉन माइनस 15, राइट हैंड साइड को हमने 1 बनाना है, माइनस 15 से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज x अपॉन माइनस 15 बाय 4 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट is equal to 1. तो हमसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ द वाई इंटरसेप्ट. तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है आपकी, दैट विल बी 5. एक्स अपॉन होता है ना, हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है दैट इज एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट. एक्स का कोफिशियंट इज 1, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट, अगेन वाई का कोफिशियंट इज 1. तो इनके कोफिशियंट को यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया. तो यहाँ ये 4 डिवाइड वाला ऐसे आ गया. सेम वे में यहाँ 3 हटाना था, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करके 3 5 जा 15. ठीक है, नेक्स्ट अगेन सेम है इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistant from the point a 1,3 and b minus 2,1, जैसा इससे previous question किया था. So this you can do. Now moving on to the next ones. उसके बाद ये सिंपल ही है क्वेश्चंस, दीज यू कैन डू योरसेल्फ. हमने अभी एपी वाला चैप्टर नहीं ना किया, एपी सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं ना हुआ अभी आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर नहीं आएंगे आपके. हाँ जी हाँ जी अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हमें निकालना है फॉर्म्ड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1. तो एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी द वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0 विल बी द एक्स एक्सिस. अब सेकेंड जो थर्ड इक्वेशन है हमारी दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1. अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 यानी कि जब x 0 तो y 1, x 0 तो y 1 ये पॉइंट आ जाएगा, और जब आपका y 0 तो x 1 आ जाएगा.
यानी कि जो आपकी थर्ड लाइन बनेगी दैट विल बी द बेस लाइन। अब हमें क्या निकालना है यहां से, ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में अगर हम इसमें लेके चलें तो जो हमारे ए और बी हैं, दीज आर द इंटरसेक्ट्स। अब ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स आपके बन रहे हैं। तो ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए और ओ बी जो हैं आपके, जो आप कह सकते हो कि एल्टीट्यूड्स हैं जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो आपका ये होगा, देखो ये हमारे पास ट्राइंगल ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट ओ, ये ए, ये बी। हमने क्या किया, यहां से ए पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे बी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड्स हो गए ये, दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी फ्रॉम ए टू ओ बी एंड दिस इज फ्रॉम बी टू ओ ए। तो जहां पे दोनों एल्टीट्यूड्स आपके इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द पॉइंट ऑर्थो सेंटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, 0, सो ऑरिजिन विल बी द ऑर्थो सेंटर। हाँ जी, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो दे गिव सर्कम सेंटर, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स यू ऑर्थो सेंटर, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स यू द सेंट्रॉइड, एंगल बाइसेक्टर्स का दैट गिव्स यू द इनसेंट। एंगल बाइसेक्टर्स का जब आप लेके चलते हो तो दैट गिव्स यू इन सेंटर। उसके बाद अगेन वही क्वेश्चन है, व्हेन विल टू लाइंस बी पैरेलल, तो ए वन एक्स अपॉन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू देन द लाइन्स विल बी पैरेलल। अब हमें गिवन है इफ द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड 4, -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हाँ जी, 4, -5, 2, -3, 4, -5। अब क्योंकि ये इक्वेशन जो है आपकी वो इन दोनों पॉइंट्स से पास कर रही है तो ये दोनों पॉइंट्स जो है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख लूं, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी बन जाएगी ये आपके एलसीएम लेके, और ए बी जो आपका डिनोमिनेटर में था उसको जब हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे 1 से मल्टीप्लाई होके ए बी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ वो भी कर सकते हो, उसमें फिर 1/a वाली फॉर्म बन जाएगी ना आपके, मैंने उसको न्यूमिनेटर में ले लिया जैसे 10th में नहीं हम करते थे, या तो फिर 1/a को यू पुट कर लो 1/b को। क्यों ए बी क्यों होएगा, हाँ अब पुट करेंगे, यस नाउ वी विल पुट, अगर उसमें पुट करते हो तो फिर वो 1/1 वाली फॉर्म बन जाती है, इसलिए एलसीएम लिए, जैसे मर्जी कर लो। अब पॉइंट फर्स्ट वाला कौन सा है, 2, -3, तो 2, -3 यानी कि ए की वैल्यू 2, बी की एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3, तो दिस इक्वेशन विल बी 2a -3, 2b -3a इज इक्वल टू ए बी। सेकेंड पॉइंट है आपका 4, -5, तो दिस इक्वेशन विल बी -5b + 4a इज इक्वल टू ए बी। अब इनको सिंप्लीफाई करना है,
सिंप्लीफाई करने के लिए, या तो इनके एक्स वाले जो हैं ए वाले, हाँ जी क्यों, बी के साथ एक्स है ना, एक मिनट मैंने शायद, हाँ फोर फोर बी आएगा यहाँ पे और माइनस फाइव ए, ठीक है, ए के साथ वाई वाला कोऑर्डिनेट और उसके साथ बी। अब इसको अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा फोर बी माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू टू ए बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, तो ए से ए आपका कट के बी इज इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू माइनस वन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, क्या आएगी ए की वैल्यू, सो माइनस टू माइनस थ्री ए इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस टू इज इक्वल टू टू ए, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन, तो जो आपका रिक्वायर्ड वैल्यूज आई ए की माइनस वन एंड बी की भी माइनस वन। क्लियर, उसके बाद ये भी सिंपल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन 4x प्लस 3y, तो इसमें डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लोगे, ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square, इक्वेशन हमें गिवन है 4x plus 3y plus 5 is equal to 0, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट माइनस वन कॉमा टू, तो लाइन ax plus by plus c की फॉर्म में है ऑलरेडी, तो डिस्टेंस इज गिवन बाय 4 into minus 1 plus 3 into 2 plus 5 upon root a square plus b square. Minus 4 plus 6 plus 5 upon 5 हो जाएगा ये. So this is 7 upon 5. So your answer will be 7 upon 5. So rest of the questions we will do tomorrow. If any doubt is there, you can ask.